अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ठेले वाला बन कबाब। ठेले पे जो ज़बरदस्त किस्म का बन कबाब मिलता है बिल्कुल वही बनाने वाले हैं, लेकिन बनाएंगे चिकन में। चिकन बन कबाब कभी आपने खाया है? नहीं खाया, अब खाएंगे अगर ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो। रेसिपी देखें, एंड तक देखें, पसंद आती है, समझ आती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बन कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा, और ये मेरे पास आधा किलो चिकन का कीमा है। आप चाहें तो बाज़ार से भी चिकन का कीमा बनवा सकते हैं, या फिर आधा किलो बोनलेस चिकन लेके घर में खुद से भी चिकन का कीमा तैयार कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। इसके अलावा इसमें दो मैं कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ, एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये चली जाएगी इसमें। और इसके अलावा मेरे पास हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक, बस ये सिंपल सी चीज़ें जाएंगी। और अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है कि सारे मसाले जो हैं वो कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है। इसको हमने बड़ा अच्छा सा मिक्स कर लिया है, अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कबाब बनाने के लिए अगर आपका कीमा जो है चिकन का वो चिपचिपा है तो आप हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के भी कबाब बना सकते हैं, वरना कीमा आपके हाथों के साथ चिपकेगा। कबाब का साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे क्योंकि ये कीमे का है, फ्राई करते वक्त इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो बस हमने थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखना है। जो कबाब है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं रखेंगे, लेकिन हम दाल का नहीं बना रहे हैं, कीमे का बना रहे हैं, तो कीमे का अक्सर ऐसा होता है कि कबाब का साइज़ फ्राई करते वक्त छोटा हो जाता है। तो ये बस ये साइज़ आप देख रहे हैं, हथेली की साइज़ का मैंने कबाब बनाया है, और इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनों को ये शिकायत होती है कि कीमे के या फिर चिकन के जब भी वो कबाब बनाती हैं तो वो कबाब का जो साइज़ है वो फ्राई करते वक्त छोटा हो जाता है, वो क्यों होता है? रेसिपी एंड तक देखें, इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलने वाला है। यहाँ पे हमारे तकरीबन 5 कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। आधा किलो कीमे से आपके 5 बन कबाब बहुत आराम से बन जाएंगे। इसके अलावा मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, और इसमें 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून नमक, काली मिर्च है कुटी हुई 1/4 टीस्पून या फिर 1 चुटकी के बराबर इसमें काली मिर्च जाएगी। और अब हमने इसको बहुत अच्छे से फेंट लें इसको, या फिर बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करें ताकि जो नमक है, काली मिर्चें हमने इसमें डाली हैं, वो सारी चीज़ें अंडे में मिक्स हो जाएं बहुत अच्छी तरह से। बस ठीक है, ये हो गया, इसको इतना ही फेंटना था। इसको हम रखेंगे साइड पे। इसके अलावा हम बंद कबाब बना रहे हैं तो 1 अदद हमें तवे की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके ऊपर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून या फिर 3 टेबल स्पून के जितना हम ऑयल डालेंगे। और इसको हम पहले गर्म होने देते हैं ऑयल को और तवे को। इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि ये जो हमने कबाब तैयार किए थे ये हम मिक्स करेंगे अंडे के अंदर, इस तरह से डिप करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, डिप करेंगे, और उसके बाद जो है हमने इस तरह से तवे पे डालना है। अच्छा, अगर आपके कबाब थोड़े से जो है गीले गीले बने हैं या फिर फ्रीज़ किए हुए कीमे के हैं तो आप इसको फ्रिज में तकरीबन 10 से 12 मिनट रख दीजिएगा, ये सेट हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको फ्राई करें। अगर ताज़ा कीमे के हैं, जैसे मेरे ताज़ा कीमे के थे, इसमें पानी नहीं है, तो फिर मैंने फ़ौरन इसको फ्राई कर लिया है, नहीं तो आप इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद जो है आप इसको फ्राई करें। तो ये हमने तवे पर डाल दिया है, नीचे हम इसको 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे, आँच मीडियम है क्योंकि कीमा कच्चा है, हमें कीमे को भी पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद जो है हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है 2 मिनट बाद, अभी ये कलर नहीं आया, हमें थोड़ा सा और अच्छा गोल्डन कलर चाहिए, तो हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे, बहुत ज़्यादा आंच नहीं रखेंगे, हमें कलर भी देना है और अंदर से कीमे को पकाना भी है। 3 मिनट हम एक साइड पे पकाएंगे, 3 मिनट हम दूसरी साइड पे पकाएंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये देखें ये कलर आ गया है, और तकरीबन 6 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है, और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो कीमे के कबाब हैं, चिकन के कीमे के कबाब, वो तैयार हो गए।
आप ये कबाब वैसे भी खा सकते हैं केचप के साथ, और इसको ऐसे भी जो है बना के लंच में डिनर के लिए बना सकते हैं, ये वैसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। अब हमने ऑमलेट तैयार करना है, वही वाला ये अंडा है जिसमें हमने अभी जो है कबाब को डिप करके फ्राई किया था, तो ये अंडा हम ज़ाया कर नहीं करेंगे, इसी को हमने फ्राई करना है और इसी का हमने ऑमलेट बनाना है। ठीक है, इस तरह से पलट लेंगे और ये जब दोनों तरफ से अच्छा सा ऑमलेट सिक जाएगा तो बस हमने इसको निकाल लेना है। बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे कबाब फ्राई करते वक्त श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके कीमे में जब पानी होगा, फ्रीज़ किया हुआ कीमा होगा, आप उसके कबाब बनाएंगी, कच्चे कीमे के कबाब बनाएंगी, तो वो लाजमी श्रिंक होंगे। अगर आपके कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होगा तो वो कभी भी श्रिंक नहीं होंगे। ये एक वजह होती है कबाब का साइज़ छोटा होने में। तो ये बस ऑमलेट तैयार हो गया है। अब हम तवे पे दोबारा से ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं ऑयल डाली हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे। बन चाहिए होंगे बन कबाब बनाने के लिए, ये बन्स आपको आराम से दूध वाले की दुकान से या फिर किराना की दुकान से बहुत आराम से मिल जाते हैं। इस तरह के बन या फिर लंबे वाले बन आप जैसे चाहें ले सकते हैं, अगर आप लंबे वाले बना रहे हैं तो आप लंबे वाले भी यूज़ कर सकते हैं बन्स। ठीक है, अब हमने इसको सेकना है कि नीचे से बड़ा अच्छा सा जो है वो गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें, ये इस तरह से जब ये सिक जाए, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे ऑयल डाला है, आप बटर भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको बटर का टेस्ट अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से हमने सेकना है। जब इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा नीचे की साइड से, नीचे से मैं चूल्हा बंद कर चुकी हूँ ताकि हमारे जो बन है वो जले नहीं। ठीक है, और ये हमारे पास चटनी है। ये किस तरह से बनती है इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, स्पाइसी चटनी के नाम से मेरे चैनल पे मौजूद है। ऊपर मैं आई बटन में दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमने सबसे पहले ये चटनी डालनी है, ये बड़ी मज़े की चटनी होती है। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे केचप। ठीक है, मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, आप चाहें तो वो प्लेन वाला भी डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने केचप डालना है या चिली गार्लिक सॉस डालना है, जितना भी आपको डालना है अपने हिसाब से डालें। मैं तकरीबन 1-1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और अब ये जो चिकन का कबाब है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन कबाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। ऊपर से मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ चाट मसाला, इससे ये और मज़े के चटपटे बनेंगे। और ऊपर से हमने डालने हैं खीरे। ठीक है जी, ये आपको जितने भी पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऊपर से हम टमाटर डालेंगे और प्याज, प्याज अगर बंद कबाब में नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता, प्याज भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे प्याज ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चीज़ का स्लाइस भी डाल सकते हैं अगर आपको चीज़ पसंद है, मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये आ गया इसके ऊपर ऑमलेट। ठीक है, आधा ऑमलेट में डाल रही हूँ क्योंकि मैं दो जो है मेरे बनेंगे ऑमलेट वाले और दो मेरे बनेंगे प्लेन। जिसको ऑमलेट वाला पसंद है वो ऑमलेट वाला खा सकता है, जिसको प्लेन पसंद है वो प्लेन खा सकता है, या फिर आप चीज़ भी डाल सकते हैं, मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, जो जो आपको चीज़ें पसंद है आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से मैं दोबारा से खूब सारी चटनी डालूंगी और ये इस तरह से हमने कवर कर देना है। ऊपर वाला बन का जो पीस है वो उसके ऊपर डाल देंगे और दोबारा से मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के बराबर ऑयल डालेंगे और इसको सेक लेंगे। बन कबाब जितना ज़्यादा क्रिस्पी होता है उतना ज़्यादा मज़े का लगता है, तो हमने इसको दोनों तरफ जो है वो क्रिस्पी होने तक बहुत अच्छा सा जो है सेक लेना है दोनों साइड से। ठीक है, ये देखें, ये नीचे की साइड से सिक गया है, बड़ा अच्छा क्रिस्पी हो गया है। साइड हम इसकी चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी हम इसको सेकेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, आप बटर भी डाल सकते हैं, बटर से भी इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी साइड से भी हमने इसको अच्छा सा क्रिस्पी बनाना है। आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं इफ्तार के लिए या फिर डिनर के लिए। और ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया है। और इस दूसरे वाले को हम होने देते हैं। ये जो हो गया है इसको हम निकाल लेंगे, हम इसको काटेंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुश्किल है काटना, आप इसको कटिंग बोर्ड पे आराम से काट सकते हैं। बस हम इसको निकाल लेंगे। ये जो पहला वाला तैयार हो गया, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारा चिकन बन कबाब जो है इसको डालेंगे सर्विंग प्लेट में। और ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा चिकन बन कबाब तैयार हो गया है और इसको बिल्कुल हम ठेले वाले स्टाइल में ही सर्व करेंगे। ये मज़ेदार हमारा चिकन बन कबाब, इसके साथ मैंने वही वाली चटनी दी है जो हमने अंदर बन कबाब में डाली थी। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस है और प्लेन वाला सॉस भी है। अगर मायोनीज़ है आपके पास तो मायोनीज़ भी आप इसमें डाल सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।